यादव जी, मंचस्थ आदरणीय लालदास राय जी, डॉक्टर अनवर आलम जी, आदरणीय राहुल तिवारी जी, आदरणीय लोहिया जी, मान्य आरती देवी जी, मुकेश भाई जी, आदरणीय पासवान जी, हमारे सम्मुख बैठे हुए ये सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, आप सभी मेरे प्रणाम्य हैं, स्तुत्य हैं। मैं बिना ओझा आप सबको अभिवादन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। महोदय, आप मुझसे पहले से इस संगठन से जुड़े हुए और आप अपने अतीत को अच्छी तरीके से जानते हैं। किसी भी व्यक्ति का, समाज का, देश का, संगठन का, उसका अतीत उसके वर्तमान को प्रभावित करता है और उसके भविष्य का निर्माण उसकी बुनियाद रखता है। मित्रों, हमारे देश में सहस्राब्दियों से जटिल मूल्य बोध घर जमा चुके थे। एक ऐसा वातावरण बन चुका था जिसमें सभी लोग समान रूप से रह करके और अपना विकास नहीं कर सकते। शिक्षित होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक संगठित समाज बनने के लिए जो जो खूबियां होनी चाहिए थी वो हमारे समाज से विघटित हो चुका था। हमारे समाज के मूल्य बोध बदल चुके थे, उनमें ऐसी जहिलता आ चुकी थी कि कारण स्वरूप हमारा देश हजारों साल तक गुलाम रहा। हमारे ही मित्रों ने, हमारे ही लोगों ने जा जाकर के मोहम्मद गजनवी को बुलाया, मोहम्मद गोरी को बुलाया। तो एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी बात है। इंडियन मैथोलॉजी में महाभारत को पांचवा वेद माना जाता है। उस महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 296 के 28 श्लोक में, श्लोक नंबर 28 में राजा जनक से आदरणीय वरासत जी बताते हैं कि समाज की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों का राज सत्ता में अधिकार होना चाहिए। मंत्री परिषद में, सलाहकारों में सबकी नियुक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन वो हुआ नहीं है। विदुर जी की बातें मानी नहीं गई, व्यास जी की बातें मानी नहीं गई, क्योंकि उनको बता दिया गया कि ये अछूत सूत्र है। ये सबको वे कहना चाहते थे कि कोई अछूत नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, वे सूत्र हैं, सूत्रधार हैं, और वस्तुतः में वही भगवान के रूप है, वही विष्णु के स्वरूप है जिन्हें आप अछूत बना रहे, वही समाज के कर्णधार लोगों को आपने अछूत बना दिया। कहते हैं कि सूत्रधार लोग की उत्पत्ति विष्णु के पैरों से हुई, तो अछूत हो गए। आपके मैथोलॉजी के अनुसार ही गंगा जी की उत्पत्ति विष्णु के चरणों से हुई है, तो मुक्ति दायिनी बन गई, उद्धारक बन गई, उसमें स्नान करने से आपको स्वर्ग मिलेगा, और एक तरफ जो आपके निकला हुआ है, जो आपका सेवा कर रहा है, उसको आप हाशिए पर ला दिए। हमारा समाज एक ऐसा बनता गया जो समाज के लिए जितना ही ज्यादा उपयोगी है उसे उतना ही हाशिए पर डालते गए, इसीलिए हमारा देश गुलाम रहा। कालांतर में आकर के महात्मा गांधी जी इस बात को समझे और इसको बहुत जोरों से, शिद्दत से उन्होंने उठाया, बताया कि जब तक हमारे समाज में जो लोग कमजोर हैं, जिनको हेय दृष्टि से देखा जा रहा है, जब तक उनको आगे नहीं लाया जाएगा तब तक हमारी गुलामी की जंजीर टूटेगी नहीं। मित्रों, इसी बात को ध्यान में रख करके और इस बात को आगे बढ़ाया गया कि किस तरीके से एक हम ऐसा समाज बनाएं जिसमें सबका जीवन सरल हो, सुखद हो, सार्थक हो और सहित हो, सभी लोगों का विकास आगे कैसे हो। देखा गया इसमें कि जो कमजोर लोग हैं वे आगे बढ़ नहीं रहे हैं, इस बात को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत शिद्दत से महसूस किया और उन्होंने बताया कि जो पीछे पिछड़ गया है, जो समाज हमारा बीमार पड़ गया है, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं, सामाजिक रूप से कमजोर हो गए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है कि उनको कुछ सुविधाएं दी जाए, आगे बढ़ने का उनको औरों से पर्याप्त अवसर दिया जाए। मित्रों, आपने प्रैक्टिकल में व्यवहार में देखा होगा, शायद मुझे जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि पहले हम लोग खेत जोतते थे, उसमें बैलों की, बैलों, दो बैलों को नाम
करके और आगे बढ़ाते थे। जब हम किनारे पर जाते थे हमें मुड़ना होता था, जो बाएं तरफ चलने वाले पैर की दांत को खींचते थे और दाहिने वाले को आगे बढ़ने का अवसर देते थे, तभी वो घूमता था, उसकी ठीक तरीके से जुदाई हो पाती थी। समाज को भी आगे बढ़ाने के लिए कतिपय लोगों को कभी कभी उनको रोकना पड़ता है और दूसरों लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देना पड़ता है, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। इस बात को समझना चाहिए। जब तक कि शिक्षा का समान अवसर नहीं मिलेगा, समाज में उनको साहस के साथ बैठने का रहने का अवसर नहीं मिलेगा, उन लोगों का विकास कैसे होगा। मैंने पिछली बार आपको एक कथा सुनाई थी, अपने आंख को देखी हुई, कि रामधन जी जैसे सांसद के बच्चे उनको जो सरकारी आवास इलाज हुआ था उसमें घुसने से डर रहे थे, बोलने लगे। उनकी पत्नी बोली कि तुम फिर यहां ला दिए हम लोगों को दूसरे की घर सफाई कराने के लिए। बहुत देर तक वो सोफे पर बैठे नहीं। उस समय मैं चूंकि वहां था, राजा साहब विश्वनाथ प्रताप सिंह से रामधन जी ने निवेदन किया था कि राजा साहब मंडल कमीशन लगा दो, चाहे कुछ भी करो, हमारा कल्याण होने वाला है, क्योंकि हम लोग इतने दबाए गए हैं कि हमारे बच्चों ने भी अपना हौसला खो दिया है। मैं देखा था कि लाल जी वहां खड़े होकर के और सीना ठोक करके बोले थे कि आपका एक साहस पैदा करने के लिए, संविधान में दी गई अधिकारों का उपयोग करने के लिए, समाज में बराबरी लाने के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा, लेकिन आपके समाज को आगे लाऊंगा। मित्रों, वो दिन मुझे याद है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, उस सभा में आदरणीय राजमोहन गांधी जी थे, उन्होंने कहा कि गांधी जी के बचे हुए कार्यों को लालू जी पूरा करेंगे, गांधी जी के बचे हुए कार्यों को लालू जी पूरा करेंगे। आपने पिछली बार अगस्त में देखा होगा, तुषार गांधी जी ने कादंबरी में लेख लिखा है, उसमें तुषार गांधी जी ने एक लेख लिखा है, उसको आप यदि पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो हमारा राजद का मैनिफेस्टो है उसी को बताए हैं, स्वावलंबन के सिद्धांत को बताए हैं, जो कि हमारा भाई वीरेंद्र जिंदाबाद है, भोजपुर की तरफ से, भोजपुर की जनता की तरफ से, बिहार के अध्यक्ष की तरफ से और सभी सदनों की तरफ से मुझे उनका स्वागत करने का सौभाग्य मिल गया। मैं इसके लिए अपने आप को गौरवान्वित अनुभूत करता हूँ और इनका स्वागत करता हूँ। मैं बात उनकी आगे कहते हुए, आदरणीय हमारे संचालक महोदय का निर्देश मुझे मिल चुकी रहा हूँ, फिर कभी अवसर मिलता है तो फिर हम लोग आगे इस पर बात करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हीरा वाला पुनः आप लोगों को एक बार प्रणाम करते हुए, अभिवादन करते हुए और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्व।